बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू वर्ड्स मार्स। आज हम फोर्थ वीक ऑफ नवंबर के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। इस वीक के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर 2024 समर ओलंपिक्स विल बिगेन। जी, समर ओलंपिक्स जो है हमें पता है कि पेरिस में मुनक्किद हो रहे हैं। ये 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक ये होंगे। क्वेश्चन नंबर टू, हु वॉन द आइडियाज 2022 डिफेंस एग्जीबिशन। जी, आइडियाज 2022 की जो डिफेंस एग्जीबिशन थी वो किसने विन की? पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसको विन किया। क्वेश्चन नंबर थ्री, हु वॉन द सेवन थल जीप रैली 2022। साहिबजादा जैन महमूद फेल टू डिफेंड द टाइटल एंड द क्राउन ऑफ विक्ट्री वेंट टू। जी, जो सेवंथ थल जीप जो रैली है ये किसने विन की है, जिसमें साहिबजादा जैन जो है उनको फेलियर का सामना करना पड़ा है। जी, ये मीर नादर मक्सी, इनको इन्होंने ये विन की है और साहिबजादा जैन को फेलियर का सामना करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर फोर, द यूएन कॉप 27 क्लाइमेट आई मीन 27 क्लाइमेट समिट हैज अप्रूव द क्रिएशन ऑफ स्पेशल फंड। जी, जो कॉप 27 ने क्लाइमेट समिट में अप्रूव किया है जो क्रिएशन ऑफ स्पेशल फंड, उसका नेम है लॉस एंड डैमेज फंड। ये उन कंट्रीज के लिए है जिनमें फ्लड वगैरह कोई भी नेचुरल डिजास्टर आया उनको कवर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर फाइव, हु हैज वॉन अबू धाबी फार्मूला वन चैंपियनशिप 2022। जी, किसने अबू धाबी फार्मूला वन चैंपियनशिप 2022 को विन किया है? मैक्स वर्स्टैपेन ने इसको विन किया है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज द पाकिस्तान रैंक एज पर नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2022 रिपोर्ट। जी, पाकिस्तान का क्या रैंक रहा है नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2022 रिपोर्ट में? जी, पाकिस्तान 89th आउट ऑफ 131th रैंक पर रहे हैं। तो ऐसे एमसीक्यू जरूर याद रखने चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर सेवन, हु विंस द सिंगल टाइटल ऑफ एटीपी फाइनल 2022 इन इटली। जी, किसने सिंगल टाइटल एटीपी 2022 को विन किया है? नोवाक डिजोकोविक जो है इन्होंने इसको विन किया है और इनका ये सिक्स्थ टाइटल है। और इससे पहले राफेल नाडल जो है उन्होंने 6 टाइटल जीते थे और इन्होंने भी 6 टाइटल जीतकर इस जो रिकॉर्ड को बराबर कर दिया। क्वेश्चन नंबर एच, हु क्रिएटेड द फर्स्ट साइंटिफिक मैप ऑफ द अटलांटिक ओशियन फ्लोर। जी, किसने पहली मरतबा जो अटलांटिक ओशियन है उसका मैप तैयार किया है? ये फर्स्ट साइंटिफिक मैप बना है। जी, ये मैरी थेरप जो है इनका नेम है जिन्होंने ये फर्स्ट साइंटिफिक मैप ऑफ अटलांटिक ओशियन फ्लोर का बनाया है। क्वेश्चन नंबर नाइन, हु हैज अपॉइंट न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जी, आपको पता है कि जैसे कि पाकिस्तान में जो हमारे लास्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब हैं उन्होंने 29th को वो रिजाइन कर देंगे, तो उसके बाद कौन न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे? जनरल आसिम मुनीर जो है वो हमारे 11th नंबर के न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो बनेंगे वो जनरल साहिर शमशाद। क्वेश्चन नंबर 11, हु टुक एज अ गवर्नर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ऑन 23rd of November 2022। जी, गवर्नर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा जो है वो न्यू पॉइंट हुए, उनका नेम हाजी गुलाम अली है जो कि 35th नंबर के गवर्नर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, विच वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रूलिंग लीडर टू रूल अगेन ऑन टाइनी अफ्रीकन स्टेट इक्वेटोरिया गिना। जी, इक्वेटोरिया गिना के जो लॉन्गेस्ट रूलिंग लीडर जो है वो दोबारा से अपॉइंट हो गए हैं, वो अपनी जो लीडरशिप है उसको कंटिन्यू रखेंगे, तो उनका नेम क्या है? टेडोरो ओबियांग इनका नेम है जो कि याद रखिए लॉन्गेस्ट रूलिंग लीडर हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान। जी, कजाकिस्तान के कौन न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं? कैसम जोमार्ट टोकायव इनका नेम है जो कि कजाकिस्तान के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन मलेशिया विच ओपोजिशन लीडर एंड बिकम द कंट्री न्यू प्राइम मिनिस्टर। जी, आपको पता है इससे पहले महातीर मोहम्मद जो हैं वो मलेशिया को लीड कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, तो अब न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, उनका नेम है अनवर इब्राहिम उनका नेम है जो कि सीनियर पॉलिटिशियन है और ये महातीर मोहम्मद के
ओपोजिशन लीडर भी थे। क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल फॉर द कंजेक्टिव सेवन टाइम। जी कौन नेपाल के सेवन टाइम कंजेक्टिव प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, उनका नेम क्या है? पीएम प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर दोबा उनका नेम है, जो कि नेपाल के सेवन टाइम कंजेक्टिव प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, विच पाकिस्तानी फेमस कॉमेडियन इस्माइल तारा पास्ड अवे एट द एज ऑफ 73 इन कराची। जी इस्माइल तारा जो है ये पाकिस्तान के जो कॉमेडियन है वो फौत हो चुके हैं, तो इनकी डेट जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच पॉपुलर थिएटर आर्टिस्ट डैश पास अवे ऑन 19 नवंबर 2022 एट द एज ऑफ, यहाँ पर 54 लिखनी थी, यहाँ पर गलती से वो लिख गया, तो ये जो फोर्थ हुए हैं इनका नेम है तारिक टैडी के नाम से ये मशहूर थे, जो कि 19 नवंबर को इनकी डेथ हुई है। जैसा कि आपको पता है कि इस मंथ में काफ़ी न्यू जो प्रेसिडेंट भी अपॉइंट हुए हैं, उसके बाद न्यू प्राइम मिनिस्टर्स भी अपॉइंट हुए हैं, तो इनके बारे में ज़रूर आपको याद रखना चाहिए। हमने इन सब एमसीक्यूज़ को कवर किया है, तो इनको ज़रूर याद रखिएगा। जी अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल डेज और डेट्स की। जी अच्छा, पहला एमसीक्यूज़, वेन वी ऑब्जर्व इंटरनेशनल चिल्ड्रन इन एवरी ईयर। जी इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे जो है वो ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 20 नवंबर को चिल्ड्रन डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, वेन वी ऑब्जर्व यूनिक टैलेंट डे इन एवरी ईयर। जी यूनिक टैलेंट जो है डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है 24 नवंबर को। इसके दिन जो यूनिक टैलेंट होता है बच्चों में उसको वो किसी न किसी तरीके से शो करवाते हैं, तो इस डे को यूनिक टैलेंट डे के तौर पर ऑब्जर्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वी ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेलिब्रेट इन एवरी ईयर। जी जो वायलेंस होता है वुमेन्स के अगेंस्ट उसको ख़त्म करने का जो दिन है उसको ऑब्जर्व किया जाता है 25 नवंबर को। इस दिन अवेयरनेस दी जाती है इस हवाले से, तो हम देखते हैं। जी आपने ये देखे जो हमारे वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, हमने आपके साथ शेयर किए, और इसके बाद डेट्स भी जो इंपॉर्टेंट डेट्स थी उनको भी शेयर किया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, तो इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और इसी तरह हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।